brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो. Breeze Cement Solid Technology ले बन्सा Solid Cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन. आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है. देखता देखता हिमालय टेलीविजन आज 5 साल पूरो कर रहे है और ये उपलक्ष्य में प्रतिबद्धता जनावा हाँ कि आगे आनिया दिना में यो कार्यक्रम लगायत और सभी कार्यक्रम ने और परिष्कृत रूप से लेते हुए आगे बढ़ांगा. आज को अपनो ये कार्यक्रम में आओ आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से. आपकी पंक्तियां यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है. भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है. अब आगे आज का अतिथि से बातचीत. देश अभी विषम परिस्थिति से गुजर रहे है या आप सभी कोई जानो ही हो. ऐसी सब विषय में बात करने के लिए आज आपने कने सद्भावना पार्टी का सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण जी हैं. इना से अभी की स्थिति को निकास और विविध विषय में बातचीत करांगा. आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करें. कार्यक्रम में अपन के स्वागत बा. जी अपने के भी स्वागत बा. छठ बढ़िया से मना लेनी है बीरगंज में मधेश में कि पहाड़ में? ना हम छठ में बीरगंज में रहनी है. ऐसे रहनी कि घर में छठ होला और एक गत्ते छठ रहे वहाँ रहनी, दो गत्ते रहनी फिर तीन गत्ते काठमांडू आगे में. अच्छा. उसे छठ बीरगंज में मनेनी. अब मुद्दों पर आगे चलते हैं. आप लोग मधेशवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं. जरा बताएंगे मधेश जो है नेपाल में है या और कहीं है? देखा जाए संसार में एक अद्भुत नाम हम लोगों का पड़ गया. मैं जब जन्मा था तो मेरा माँ बाप भी मधेसिया नहीं कहा था. लेकिन संसार में हर जगह हर देश में पहाड़ और प्लेन लैंड तराई होता है, कहीं पर भी मधेश नहीं कहा जाता है. लेकिन हम लोगों की एक टाइटल मिला मधेश का, मधेसिया का. पहले इसे राज्य ने हम लोगों को एक अवहेलना के दृष्टिकोण से मधेसी कहा. और गजेंद्र बाबू जब सद्भावना पार्टी खोले तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण मधेश को मिलाने का न जात से मिला सकते हैं न धर्म से मिला सकते हैं. तो एक बहुत अच्छी टाइटल हम लोगों को मिली है मधेश. इस मधेश नाम से हम लोग सारे एकत्रित हो जाएंगे. और उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम मधेशी हैं. और इसके बाद टोटल मधेश एक श्रृंखला में एकताबद्ध होके एक जगह लगा. दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इसकी एकताबद्धता का दूसरा कारण है, वह कारण भाषा है. पूरे मधेश में हिंदी लोग बोलते हैं, हिंदी समझते हैं. और उन्होंने कहा कि एक पश्चिम अवधि भाषी का पूरब के मैथिली भाषी से शादी हो जाए तो वह अपने हनीमून राइट में किस भाषा में बात करेगा, वह भाषा हिंदी ही है. तो यह हिंदी भी पूरे मधेश को जोड़ता है. केवल मधेश ही नहीं, नेपाल के 25% और पहाड़ का जो भूभाग है वह भी अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं. जो नहीं बोल पाते हैं वो हिंदी समझते हैं. और अभी काठमांडू में जो लोग मुझे नहीं बूझता है जी सांसद हैं या मेरा चेहरा जो देखता है वह मुझसे आरंभ करता है हिंदी में. इतनी बड़ी हिंदी भाषा की यहाँ प्रयोग है. हिंदी गाना में नाचते हैं, हिंदी फिल्म ज़्यादा देखते हैं, फिर अवहेलना किसका करते हैं तो हिंदी भाषा का ही करते हैं. यह एक विडंबना है.
इसलिए उन्होंने दूसरी चीज कहा कि पूरे मधेश को और पहाड़ को जोड़ने के लिए एक संपर्क भाषा भी हिंदी है, इसकी मान्यता नेपाल में होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आज मुझे मधेसिया कहे, मधेसिय कहे या मधेसी कहे, हर बात से मुझे गर्व होता है। लेकिन आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि मधेश नेपाल में है कि कहीं और है। मैंने इसलिए कहा कि अगर कहीं संसार में मधेश है तो नेपाल में ही है और कहीं नहीं है। और पहाड़ में रहने वाले लोगों का हुक्का पानी तो करीब करीब आप लोगों ने अभी बंद कर रखा है, और अब क्या खाली सांसें बंद होनी बाकी है? अब उसे भी दवाई पानी से भी बंद करेंगे क्या? ना, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने किसी नेपाली का हुक्का पानी या दाल भात बंद करने की बात नहीं की। आपने देखा होगा जहां भी असहयोग आंदोलन और धरना या शांतिपूर्ण आंदोलन का एक भाग है जो कि गांधीज्म थ्योरी में गांधी जी ने बतलाया था, और महात्मा गांधी ने कहा कि सरकार को झुकाने के लिए उसे असहयोग आंदोलन करना चाहिए, बाइकॉट की आंदोलन करना चाहिए, धरना और शांतिपूर्ण पिकेटिंग करना चाहिए। हम लोगों ने 35 दिन तक आंदोलन किया, शहर में किया, गांव में किया, और राज्य ने हम लोगों को मधेसियों को दबाने के लिए निषेधाज्ञा, अनावश्यक निषेधाज्ञा, दंगा क्षेत्र, माने शहर में भी रहने नहीं दिया, रोड में भी नहीं रहने दिया और मारना शुरू किया। आज तक 48 हमारे वीर शहीद लोग शहादत प्राप्त कर चुके हैं इस आंदोलन में। हजारों लोग घायते हैं जिसमें 500 आज भी हॉस्पिटल में है। ऐसी अवस्था में हम लोगों ने यह धरना कहाँ करे, तो न शहर में करने दिया जा रहा है न रोड में करने दिया जा रहा है, तो हम लोग बॉर्डर में पहुंचे कि यह असहयोग आंदोलन करने से सरकार जल्दी झुकेगी। लेकिन हम लोगों ने पाया कि अब आज 97 दिन हो गया, यह राज्य लोकतांत्रिक राज्य नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संविधान में लोकतंत्र लिख देने से लोकतंत्र नहीं आती है। लोकतंत्र एक प्रवृत्ति है, लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, लोकतंत्र एक सोच है। अगर लोकतांत्रिक सरकार होता है तो कोई मैं आंदोलन करूंगा, हमारी असंतुष्टि है तो बुला के पूछता है भाई काय असंतुष्ट हो, उसे संतुष्टि देने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ की राज्य ने हम मधेसियों को थारुओं के मारने बाहर, अपाहिज करने बाहर दूसरा काम नहीं किया, और आज भी यह जारी है। और सोमवार को हम लोग जा रहे हैं, 7वां दिन मनाने जा रहे हैं। और इस बीच में आपने जो कहा दवा दारू आदि की बात, हम लोग संवेदनशील हैं। हम लोगों ने देखा कि नेपाल के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी अब दवाई की कमी होती जा रही है, इंस्ट्रूमेंट की कमी होती जा रही है, लेकिन हमारी मांग पूरा नहीं होते हुए भी हमारी सवाल को संवेदनशीलता के साथ सरकार नहीं सुनते हुए भी हम लोगों ने कहा कि यह संवेदनशील अवस्था है, दवा की, उपचार की और मानवीय समस्या है। इसलिए कल मोर्चा की बैठक ने एक नाका दिन भर के लिए, पूरे दिन में आप जितना चाहें ला सकते हैं 12 घंटा, रात में यूज नहीं करें। और दवा के साथ साथ हम लोगों ने जितना भी हॉस्पिटल से संबंधित इक्विपमेंट्स है इसको हम लोगों ने कहा कि आप ले जा सकते हैं, ये ले जाने में हम लोग सहयोग। लेकिन अभी आप ये जो बात कर रहे हैं, आज ही समाचार आया है कि दवा लेके चली हुई गाड़ी के ऊपर भी पेट्रोल बम प्रहार किया गया। मैं कहता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो लोग ये घटना किए हैं आइंदा नहीं करेंगे, और यदा कदा कोई घटना हो जाए इसको समग्र घटना नहीं माना जाए। अभी आपने जो कहा कि असहयोग आंदोलन में असहयोग हम कर रहे हैं जिससे कि सरकार को झुकाया जा सके, लेकिन जनता को चपेट में लेकर के असहयोग जो हो रहा है उसमें जनता का दोष कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, जनता इसमें दोषी नहीं है। जनता इतना ही दोषी है कि यह नहीं बूझ रहा है कि आपूर्ति का काम राज्य का है या दूसरे का है।
अगर जनता इस चीज को, क्योंकि आपने देखा होगा जहां भी तानाशाह होता है वह दो अफीम का धुआं उड़ाता है, एक धर्म का और एक राष्ट्रवाद का। एग्जाम्पल दूर खोजने नहीं जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में आप देखे होंगे जब भी डेमोक्रेसी का नारा वहां की जनता लगाई तो चार ठो बंदूक लाके पड़का दिया बॉर्डर पर और कहा कि भारत खा रहा है, क्या करोगे, डेमोक्रेसी लेके देश से जा रहा है। वैसे ही अवस्था इस समस्या को हल करने से, जहां 50% मदेशियों की समस्या है, थारुओं की समस्या है, मुसलमानों की समस्या है, अल्पसंख्यक की समस्या है, इस समस्या को छोड़ के राज्य ने कहा कि भारत विरोधी एक अफीम चलाया, राष्ट्रवाद। अरे राष्ट्रवाद होता क्या है? हम सभी इस राष्ट्र के नागरिक सबल होंगे, राष्ट्रवाद सबल होगा, हम सभी राष्ट्र के जनता संपन्न होंगे तो होगा। तो इसलिए राज्य के प्रति, दायित्व के प्रति सारे जनता को भी आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारे देश के ही नागरिक हैं, उनकी कोई असंतुष्टि है तो वह असंतुष्टि को राज्य दूर करे। और जो लंबा कर रहा है राज्य, अगर हम काठमांडू में इस आवाज को उठाते, पोखरा में इस आवाज को उठाते, छिटफुट तो उठा है, नहीं उठाई, एक बड़ी रूप से अगर उठाते तो मुझे लग रहा है कि कहीं की जनता को भी कष्ट नहीं सहना पड़ता, कहीं भी जनता को असंतुष्ट नहीं होना पड़ता। और मैं आपके इस बड़े ही लोकप्रिय कार्यक्रम के द्वारा मैं जनता से कहूंगा कि अभी भारत सरकार की है, हमारे ऊपर से अब धीरे धीरे अफीम की धुआं हट रही है, अगर अफीम से हम मुक्त हो रहे हैं तो इस राज्य को हम सजग करें, इस राज्य को जगह पर लाएं। जिस देश को खाना नहीं हुआ छठो प्रधानमंत्री, जिस देश में आज भूकंप से लोग पीड़ित हैं उनकी घर नहीं बन रही है वहां पर जंबू जेट मिनिस्ट्री, या गलत हो रहा है। जनता की सरकार होती है, जनता ने प्रतिनिधि भेजा है, और वह प्रतिनिधि गलत करता है तो जनता को सचेत भी कराना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इतनी जनता करना शुरू कर दे तो हम लोगों की जितनी भी समस्या है मुझे नहीं लग रहा है कि दो चार पांच दिन में ही समाधान हो। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं। यो हप्ता को दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कसले सीएनएन हीरो को उपाधि पाएको छैन? अप्सन ए पुष्पा बस्नेत, अप्सन बी अनुराधा कोइराला, अप्सन सी मैगी जोयन र अप्सन डी रेखा थापा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल एक्स 14 प्रत्येक दुई हप्तामा एक जनालाई, सीजी को फैन हीटर प्रत्येक महीना एक जनालाई। विजेता को नाम आउँदो शनिवार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव मा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा, स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो। Breeze Cement, Solid Technology ले बन्छ Solid Cement. आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं सद्भावना पार्टी का सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण जी से। आओ इस बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा। आप लोगों ने जो मांग रख रखी है संघीयता सीमांकन की, अगर उस मांग को सरकार मान लेती है जैसा आप चाहते हैं तो ये जो आज के दिन असहयोग जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है ये तो फिर नियति नहीं बन जाएगी। बड़ा अच्छा आपने बात किया। एक दिन हम खाना खिला दें तो आप रोज हमारे पास आइएगा खाना, खाना खिलाने वाला ऐसा नहीं सोचता है। इसलिए नहीं सोचता है कि हमारी अधिकार आप संपन्न कर देंगे तो मैं फिर किसके लिए लड़ूंगा? मैं तो पूरे देश के लिए लड़ूंगा ना, उस भूभाग्य के डेवलपमेंट के लिए लड़ूंगा जो भूभाग्य नेपाल में है, मैं फिर काहे नाकाबंदी करने जाऊंगा? या फिर कोई दूसरा अधिकार लेके खड़े नहीं हो जाएंगे? ऐसा है जो जहां कमी होगी उस अधिकार के लिए और सारी चीज। यह हम लोगों ने अंतिम लड़ाई इसलिए कहा
कि इससे पहले भी दो बार हम लोग लड़ चुके हैं राज्य से। फर्स्ट आंदोलन हुई उसमें 22 मुद्दे समझौता किया गया मधेश के मांग जनजातियों के मांग के संबंध में, फिर भी राज्य ने पालन नहीं किया। दूसरे बार आंदोलन हुई जिसमें 51 आदमी शहीद हुए और इस देश का एकमात्र व्यक्ति, कल भी होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूं, इसलिए शांति मंत्री से हम लोगों ने दोबारा नहीं किया समझौता। इस देश में राष्ट्र प्रमुख और राज्य प्रमुख एक ही व्यक्ति था, गिरजा प्रसाद कोइराला, ना आज तक कोई हुआ है ना कल फिर कोई होगा। उन्होंने हम लोगों से 8 बूंदे समझौता किया और कहा कि मधेश में स्वायत्त प्रदेश मिलेगी और भी देश में और स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण होगा। इस चीज के कार्यान्वयन के लिए फिर हमको 48 आदमी को शहादत देना पड़ा। कितनी सरकार और राज्य जो हम कहें यह कितनी संवेदनहीन है। मैं कोई नई बात लाया ही नहीं हूं आज, कोई नई बात के लिए मैं लड़ता तो कहते रोज रोज आप बात फेर रहे हैं, रोज रोज नई बात ला रहे हैं। हम तो वही कर रहा हूं जो एग्रीमेंट आपने किया, जो राज्य ने किया, जिसके साथ माधव नेपाल जी थे, जिसके साथ प्रचंड जी थे, यही तीन पार्टियां थी, और सारे पार्टियों की उपस्थिति में जो हुआ उसको एग्जीक्यूशन की। कोई माने या न माने या कोई कहे या ना कहे, नेपाल में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से भारत का सहयोग रहा है, और जब भी वो आंदोलन चरम उत्कर्ष में पहुंचा है तो वो सहयोग खुल के सामने आया है। अभी जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या? देखिए माने या नहीं माने नहीं, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। 2007 साल में आंदोलन हुआ, राजा भाग के दिल्ली गए और वहीं पर राणा लोगों से समझौता होके इस देश में आई प्रजातंत्र आई। 17 साल में कू कर लिया राजा महेंद्र ने और भारत में बैठ के कांग्रेसियों ने हथियार का उठाया और आंदोलन किया। हाँ, ये सारे इतिहास है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी के आंदोलन जो हो रहा है इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है। बिल्कुल, एक बात मैं कहूँ कि क्या हिंदू राष्ट्र करना या नेपाल को दो टुकड़ों में बांटना या फिर बहुदल की जगह तीसरा कोई विकल्प सामने लाना? देखिए भारत हमेशा चाह, भारत की जो आपने इतिहास बतलाई नेपाल के संबंध में, भारत ने दो चीज चाहा है और आज भी चाह रहा है। भारत की एक ही मानसा है कि नेपाल में लोकतंत्र कायम रहे। लोकतंत्र अगर समाप्त होता है तो यह भारत के लिए भी नुकसान होगा और नेपाल के लिए भी नुकसान होगा। यहां पर शांति कायम हो, इसलिए उसने बार बार कहा है कि आंदोलनरत लोगों से बात कीजिए, अपनी समस्या आप खुद समाधान कीजिए। जहां तक लोगों ने हवा उड़ा दिया, हिंदुत्व की बात कर रही है, एक तो उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मधेश को भारत में मिलाना चाहता है, यह सब गलत बात है। मैं दो चीज इस संबंध में कहूंगा, भारत अपने खुद धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो अपने यहां अगर करना होगा तो हिंदू धर्म नहीं स्थापना करके नेपाल में करके क्या फायदा हो जाएगा? इसलिए यह गलत हल्ला, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की राज्य है जो कहीं ना कहीं हिंदू समर्थक, हिंदूवादी लोगों के समर्थक लोगों की बात पार्टी रही है, इतिहास बतलाती है। लेकिन जब वह जीत के आए तो वह केवल हिंदूवादी की नहीं, अरे बनारस जैसे जगहों में मुसलमान ने वोट दे के जिताया। ऐसे अवस्था में ऐसे मोदी जी को यह हिंदूवादी है, हिंदू चाहता है, गलत नारा लगा रहा है। दूसरी चीज आपने कहा कि मधेश को मिलाना चाहता है, मैं कहता हूं जो उप प्रधानमंत्री जी ये नारा और भाषण दिला रहे हैं अगर उनकी बात सत्य में मान लो तो जब कोई देश को टुकड़ा करने जा रहा है तो ये भाषण देना पड़ेगा कि सेना लेके बॉर्डर पर जाना पड़ा? अगर सत्य है उनकी बात में तो उनको आज राज्य संचालन कर रहे हैं, सेना लेके बॉर्डर पर जाए लड़ाई करें अपनी धरती को जगावें, और नहीं तो ऐसा अनर्गल बात करना बंद कर दें। मैं यह बात वार्ता में भी कहा था। और तीसरे एक
उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कहा कि यह गलत बोला गया है, मैं इसको खंडन कर चुका हूं। इस तरह की वाहियात बात करने से होगा देश में? यह गलत बात है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। संघीयता के मुद्दे को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए, और अगर हिडन एजेंडा में हिंदू राष्ट्र की बात अगर है, उसे अगर जनमत में लाया जाए, तो क्या ये नेपाल के हित में होगा और मधेश के सभी के हित में? मुझे पशुपतिनाथ और गुजेश्वरी में जाने से रोकने की किसी की ताकत है? उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए संविधान नहीं बनता है। संविधान बनता है जो अल्पसंख्यक होते हैं, पूरी जनता के लिए सरकार की सारी पावर होती है, तो उसको लिमिटेड करने के लिए, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए संविधान बनता है। इसलिए मैं कहूंगा कि धर्मनिरपेक्ष होना, उस शब्द में जो गड़बड़ हो, मैं नहीं कर सकता हूं, धर्मनिरपेक्ष पर भी आप घंटों बहस कर सकते हैं, मैं आपके पास समय भी नहीं है, लेकिन हिंदूवादी कह के ही एक धर्म को आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे धर्म मानने वालों को चोट लगता है। इसलिए मैंने कहा था संविधान सभा में, हर धर्म संभाव लिखिए, ऐसी लिखिए जो दूसरों को भी चोट नहीं लगे। और आपने कांग्रेस का जो कहा, उसमें हमारी अमेंडमेंट में सहमति नहीं है, उससे सारी चीज पूरा नहीं हो रही है, और सीमांकन की मामला हम लोग स्थगित नहीं करना चाहते, इसे पोस्टपोन नहीं करना चाहते। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमारी 11 बूंदे मांग है, लेकिन प्रस्थान बिंदु आप कीजिए। अब अंतिम में ये कहिए, कोई भी देश तभी समृद्ध रह सकता है और शांतिपूर्ण रह सकता है अगर वहाँ आर्थिक विकास हो। आज का जो आंदोलन चल रहा है वो हमें बहुत पहले ही पीछे धकेल चुका, भूकंप ने बहुत पीछे धकेला था, और अब और हम पीछे जा रहे हैं, तो ये किसी भी नेपाली के किसी भी सूरत में हित में है? बिल्कुल नहीं। तो इसका इलाज क्या? इसका इलाज क्या है जी? बेईमान सरकार जो देश के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसको फेंकें, और देश की जो समस्या है इसे सारा पार्टी बैठ के रेगुलर एक दिन बैठ के 10 दिन तक स्थगित नहीं करें, बैठें रेगुलर 2 दिन 3 दिन इसको मजे और इसकी समाधान करें, और सारे लोग, देश की संपूर्ण पार्टियां, देश की संपूर्ण नागरिक, देश विकास में लगें और इस देश में शांति लावें, यही उपाय। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं, और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी सारी समस्याएं समाधान होंगी। जी आपने मौका दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग सुनिया लक्ष्मण लाल कर्ण जी का विचार, और इन पर जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और इन हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यम पञ्चकको पहिलो दिन कसको पूजा गरिन्छ? अप्सन ए कुकुर, अप्सन बी काग, अप्सन सी परेवा र अप्सन डी कुखुरा। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी काग। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98044551001। सिजीको फ्यान हिटर पाउन सफल हुनु भएको छ 98044335010। बधाई छ। विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 98498823804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कसले सीएनएन हिरोको उपाधि पाएको छैन? अप्सन ए पुष्पा बस्नेत, अप्सन बी अनुराधा कोइराला, अप्सन सी म्यागी डोयन र अप्सन डी रेखा थापा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आजको लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिबार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दियो, और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98498823804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो apnonepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ, अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।